महाराष्ट्र के किसान अभी अगस्त सितंबर की बाढ़ और अतिवृष्टि की मार से उभरे भी नहीं थे कि बेमौसम बारिश ने एक बार फिर से उनकी टेंशन बढ़ा दी है। फिर से किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान कर दिया है। पिछले दो दिन से हो रही बारिश ने सोयाबीन, कपास, तुअर और प्याज की खेती को नुकसान हुआ है। सोयाबीन पूरी तरह बर्बाद होने के कगार पर है। चंद्रपुर के किसानों का कहना है कि जिले में मानसून का मौसम सितंबर के अंत में समाप्त हो जाता है। इस बार भी ऐसा ही माना जा रहा था, लेकिन अब अक्टूबर में भी तबाही शुरू हो गई है। चंद्रपुर जिले के कोरपना गढ़चांदूर में सोयाबीन की खेती का नुकसान ज्यादा हुआ है। फसल काली पड़ गई है। सोयाबीन की फसल पूरी तरह से तैयार हो गई थी। ज्यादातर किसानों ने इसकी कटाई भी शुरू कर दी थी। उम्मीद थी कि यह दिवाली पर किसानों को अच्छा मुनाफा देगी। कुछ जगहों पर सोयाबीन की खरीद भी शुरू हो गई थी, लेकिन कटाई के समय बेमौसम बारिश के आने से सोयाबीन की फसल आधी हो गई है। किसान परेशान है कि अब वो क्या ही करें। वहीं महाराष्ट्र के अकोला जिले में भी बारिश के कारण कपास व तुअर की फसल को काफी नुकसान हुआ है। इस वर्ष तुअर व कपास की फसल अच्छी थी, लेकिन बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बारिश से कपास टूटकर गिर पड़े। उधर किसानों का कहना है कि वर्तमान स्थिति में 30% सोयाबीन फसल की कटाई हुई है। ऐसे में बारिश के कारण लाखों का नुकसान भी हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने इस साल बाढ़ और भारी बारिश से बेहाल किसानों को राहत देने के लिए 12 अक्टूबर को ही 10,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था, क्योंकि राज्य में सितंबर तक भारी बारिश और बाढ़ ने 55 लाख हेक्टेयर से अधिक फसलों को नुकसान पहुंचाया था। मराठवाड़ा सहित कई जिलों में सोयाबीन, कपास, गन्ना, मक्का एवं बागवानी फसलों, खास तौर पर प्याज को भारी नुकसान पहुंचा था। अब बेमौसम बारिश ने फिर से किसानों और सरकार दोनों के लिए मुसीबत पैदा कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।